हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे रेल पथ के जो हैंड टूल्स होते हैं, हाथ औजार, इसके बारे में, इनके नाम और इनके वर्किंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसका नाम फावड़ा है और इसका पूरा डिटेल्स आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इसका यूज बता रहा हूँ कि इसके यूज क्या हैं, क्या काम किया जाता है इस टूल से। सबसे पहला सरफेस ड्रेसिंग, उसके बाद क्लीनिंग कोर्स वीड्स एंड अंडर ग्रोथ, डैगिंग सैंड सॉयल आर फाइन स्टोन, मैनुअल एक्सक्वेशन, ओपनिंग अ ब्लास्ट फॉर ट्रैक मेंटेनेंस। इसके बाद आप लोगों की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसको सन की रस्सी कहते हैं, हेम्प कॉर्ड। हेम्प कॉर्ड 6 मिलीमीटर डाया of sufficient length is used for lining the top and bottom edges of the blast section. इसके बाद लकड़ी का मैलेट, वुडन मैलेट, इट इज यूज टू स्ट्राइक रेल टू असिस्ट इन देयर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ड्यूरिंग डिस्ट्रेसिंग प्रोसेस। इसके बाद पिन काटा, क्रोबार, ये जो क्रोबार का फिगर आप देख रहे हैं, यह एक सब्बल के जैसे होता है, जिसका एक भाग नुकीला होता है और दूसरा भाग थोड़ा सा चपटा होता है। इसका यूज देखिए, क्लॉड इंड इज यूज टू टेक आउट द डॉग स्पाइक फ्रॉम द वुडन स्लीपर टू लिफ्ट द ट्रैक फॉर सरफेसिंग, टू करेक्ट द अलाइनमेंट। इसके बाद समटाइम्स द टेपर्ड इंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग ब्लास्ट अंडर द कंक्रीट स्लीपर। इसके बाद आपके स्क्रीन पर जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसको दुरमुट बोलते हैं, जिसको रैमर बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर हैंड कंपैक्शन फॉर रोड सरफेस एंड ब्लास्ट। इसके द्वारा रोड के सरफेस को पीट करके बराबर किया जाता है और साथ ही साथ जो ब्लास्ट होते हैं उनको भी बैठाया जाता है। इसके बाद गिट्टी प्रोफाइल खाका, जिसको ब्लास्ट प्रोफाइल टेम्पलेट कहते हैं। द ब्लास्ट सेक्शन इज ड्रेस्ड टू द स्पेसिफाइड डायमेंशन, ए टेम्पल बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज। इसके माध्यम से ट्रैक के ब्लास्ट को ड्रेसिंग किया जाता है इसके स्केल के हिसाब से। इसके बाद रेल रोलर, रेल रोलर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल पैनल्स। रेल पैनल को लॉन्गिट्यूडनल गति देने के लिए या फिर आगे पीछे सरकाने के लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग रेल रोलर्स बोल सकते हैं। आप लोग फिगर में देख करके अच्छे से इसको समझ सकते हैं, तो आप लोग एक बार फिगर पर भी नज़र डालिए। इसके बाद देखिए तगाड़ी, जिसको पैन मोर्टार बोला जाता है। ए बोर्ड सेलो कंटेनर ऑफ मेटल यूजली हैविंग साइड्स फ्लेयरिंग आउटवर्ड टुवर्ड द टॉप इज एसेंशियल टूल्स विच रिक्वायर्ड इन ट्रैक मेंटेनेंस वर्क यूज फिलिंग ब्लास्ट अर्थ एंड मॉक ETC। इसके माध्यम से ब्लास्ट को, मिट्टी को या फिर किसी प्रकार के कचड़े को फिलिंग करने के लिए, भरने के लिए या फिर उठाने के लिए किया जाता है। इसके बाद गैती, जिसको पीक बीटर भी कहते हैं, इसका आप लोग यूज देख लीजिए। अगर डिटेल्स पढ़नी है तो आप लोग पूरे डिटेल्स को, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका यूज बता देता हूँ, डिगिंग, लूजनिंग
एंड ब्रेकिंग अप हार्ड एंड सेमी हार्ड अर्थ इन बिटवीन द स्लीपर्स, डिगिंग बिलो द स्लीपर, पैकिंग द स्मॉल ब्लास्ट अंडर द स्लीपर, क्रिएटिंग स्पेस इन बिटवीन द ब्लास्ट। इसके बाद सेकेंड, द ब्रॉड एंड इज यूज फॉर ड्राइविंग ब्लास्ट अंडर द स्लीपर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिस्ट्रेसिंग रोलर। दीज आर यूज ऑन एवरी 15th स्लीपर्स ऑन रेल सीट अंडर द फुट ऑफ रेल फॉर इजी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। इस टूल के माध्यम से भी हम लोग रेल को आगे पीछे सरकाते हैं। और नीचे वाला जो टूल है यह कर्व ट्रैक में रेल को लेटरली मूवमेंट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद पीक कुल्हाड़ी, जिसको पीक एक्स बोलते हैं, ये टूल्स विथ, जनरली यह जो टूल आप देख रहे हैं यह लेवल क्रॉसिंग गेट पे उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से हम लोग जब रोड का ओवरहॉलिंग करते हैं तो रोड सर्विस को उखाड़ने के काम ये आता है, या फिर कोई भी हार्ड सरफेस है उसको खोद करके निकालने का काम ये करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, रेल टंग। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं इसका नाम है रेल टंग। इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ रेल। यह रेल को हैंडल करने के लिए अर्थात रेल को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम लोग रेल को पकड़ करके आगे पीछे खींच सकते हैं, उठा सकते हैं, उसको कहीं भी हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जिसको सोवेल बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है वेलचा। इट इज यूज टू टेक अप रिमूविंग एंड प्लेसिंग अ ब्लास्ट ऑन द स्लीपर्स। इट इज आल्सो यूज टू रिमूव द अर्थ फ्रॉम द ट्रैक। अर्थात इस टूल्स के माध्यम से हम लोग ब्लास्ट को स्लीपर के अंदर या बाहर डाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, और ट्रैक में उपस्थित मिट्टी को भी हम लोग बाहर फेंक सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पेंड्रोल क्लिप निकालने एवं लगाने वाला टूल्स, जिसको ERC एक्सेक्टर या एप्लीकेटर बोलते हैं। इट इज अप्लाइड फॉर फिक्सिंग आर रिमूविंग द ERCs ऑन PRC स्लीपर। अर्थात इसके माध्यम से हम लोग ERC को फिक्स करते हैं या फिर उसको रिमूव करते हैं, लगाते हैं और निकालते हैं। इसके बाद दतार, जिसको ब्लास्ट रेक बोलते हैं, यह जो है ब्लास्ट को हैंडलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात ब्लास्ट को ड्रेसिंग बॉक्सिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में कहीं कहीं इसको टाना बोलते हैं और कहीं कहीं इसको पाचा बोलते हैं। तो आप लोग इसके फिगर के माध्यम से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद सबल, जिसको बार स्ट्रेटनिंग बोलते हैं, स्ट्रेट बार विथ बाल एंड पॉइंट एंड विच इज जनरली यूज्ड टू मेनी एप्लीकेशन सच एज स्लेविंग, स्लीपर स्पेसिंग, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल etc. इट इज आल्सो यूटिलाइज फॉर पैकिंग ऑफ स्लीपर। इसके माध्यम से हम लोग स्लीपर की स्पेसिंग, उसकी हैंडलिंग या फिर पैकिंग में उपयोग करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखे होंगे और जानते होंगे। इसके बाद दाब पहाड़ी, जिसको बार क्ला भी बोलते हैं। ए बार क्ला इज लॉन्ग मेटल बार विथ ए बेंट ऑन वन इंच नॉर्मली मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। इसका जो एक भाग जो होता है ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है अर्थात मुड़ा हुआ होता है। द बेंट हेड ऑफ ए क्ला बार इज शेप्ड लाइक ए जे। इट इज यूज्ड एज ए लीवर फॉर लिफ्टिंग अप ट्रैक। अर्थात ट्रैक को लिफ्टिंग करने के लिए, उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद कटौनी, जिसको टॉमी बार बोलते हैं। इसका यूज देखिए, इंसर्शन द वेजेज अंडर नेथ
द रेल वाइल डूइंग अलाइनमेंट प्रोसेस फॉर ए टी वेल्डिंग, अर्थात वेल्डिंग के समय में इसकी रेल का अलाइनमेंट करने के लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है। प्लेसिंग द रबर पैड अंडर द रेल फुट, और रेल के नीचे रबर पैड को लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।